गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग। चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? कुछ घर से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं? सब घर पर ही है ना, सेफ? प्रियांश बाहर जा रहे हैं? प्रियांश बाहर ना जाए बेटा। हाँ, तब घर पे ही रहे, ठीक है। चलिए, रूम से बाहर भी नहीं निकल रहे? नहीं, रूम से बाहर निकलो, घर में। चलिए, एक रूम से दूसरे रूम में जाओ। हाँ, मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। मैं भी घर से बाहर बहुत कम निकलता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हमने रेंज पर काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना? बहुत सारी प्रोफाइल पर क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना? अगर हम सबसे पहले तो हमने लीनियर फंक्शन, है ना, पॉलीनोमियल फंक्शंस की रेंज में लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंजेस, है ना, ranges of trigonometric functions, फिर उसके बाद AMGM पर based questions भी किए हैं range calculate करने के, फिर उसके बाद हमने AMGM के बाद कल किया था increasing monotonic functions और non-monotonic functions, लेकिन वो हमने जो functions लिए थे वो monotonic और non-monotonic continuous थे, तो continuous मतलब जो प्रैक्टिकली, तो बस अब हम एक last profile और करते हैं जिसमें function कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक पर, तो भी हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं, है ना? क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। फाइंड रेंज वाई इक्वल टू एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, वेयर एक्स लाइज फ्रॉम माइनस वन टू, एक्स लाइज फ्रॉम माइनस वन टू, ठीक है क्या बच्चों? x into fractional part x, where x lies from minus। तो देखें, सबसे पहले तो हमें इसको डिस्क्राइब करना होगा। भाई x को किसी भी इंटरवल में देखें, x की वैल्यू y equal to x की रहेगी, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये चेंज, ठीक है। तो हम कुछ केसेस बनाते हैं ये इंटरवल में ब्रेक कर, है ना, क्योंकि एक इंटीजर जैसे माइनस वन टू जीरो में अलग नेचर होता है इसका, फ्रैक्शनल पार्ट x जीरो टू वन में अलग होता है और वन से टू में, तो हम बना लेते हैं कि जैसे एक्स की वैल्यू हमने माइनस वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो ली, ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो ली, फिर जीरो से वन ले लेते हैं, फिर वन से टू ले लेते हैं और टू एक अलग से भी ले लेते हैं, ठीक है, फोर केसेस कर दिए। तो अब बताएं माइनस वन टू जीरो में एक्स तो देखो एक्स ही रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या होगा? माइनस वन टू जीरो, क्लोज इंटरवल माइनस वन टू ओपन इंटरवल जीरो, आपको ये रियल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रॉपर्टी मालूम है, एनी रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू इट्स इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल, यहां से अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालते क्या आएगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब जब x की वैल्यू माइनस वन से जीरो में, x की वैल्यू माइनस वन से जीरो में, तो माइनस वन टू जीरो में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बताएगा कोई? जीरो इंक्लूड नहीं है, माइनस वन टू जीरो में अगर x लाई कर रहा है, x लाइज फ्रॉम माइनस वन टू जीरो, देन व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बताएगा कोई भी? माइनस वन, वेरी गुड, माइनस वन, और ये माइनस पहले से ही, तो क्या हो जाएगा x प्लस, when x lies from minus 1 to 0, minus 1 to 0 fractional part x plus 1, और x x है fractional part के केस पर x plus 1, क्या ये सबको समझ में आया? 0 to 1 में जब x 0 से 1 में होगा, closed interval 0 to 1, तो fractional part x क्या है? fractional part x equal to x, क्योंकि ये खुद fraction, clear, fraction
if x lies from 0 to 1, then fractional part equal to, यहां पर यह इसमें देख रहे हैं, ये x और 0 से 1 का fractional part क्या आ जाएगा जी, तो x minus 0 लिखते का, तो x पहले से ही है और fractional part x की value क्या आ गया x, right, समझ में आया सभी को। अब देखेंगे जब x 1 से 2 में, 1 से 2 में, तो fractional part x यहां पर रख दें, greatest integer 1 से 2, 1, fractional part x क्या आ जाएगा, x minus 2, x already है x, integer 2 पर, 2 पर, fractional part of any integer 0, क्या ये सबको समझ में आया, cases कैसे बनाए, सभी को समझ में आया ही, ओके, अब देखेंगे ध्यान से, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ भी हमें कितना बनाना है, केवल x डोमेन कहां से कहां तक है, माइनस वन से, माइनस वन, जीरो, वन, टू, x एक्सिस y एक्सिस पे भी देख लेते हैं, टेन डिस्टेंस रखना पड़ेगी, वन, टू, थ्री, और रिक्वायरमेंट होगी आगे, माइनस वन, राइट, हाँ देखें, ये सबसे पहले 0 टू 1 में, क्योंकि जिसका ग्राफ हम बहुत जल्दी बना सकते हैं, x इक्वल टू 2 पे 0, x इक्वल टू 2 पर 0, राइट, x इक्वल टू 2 पर 0, एक पॉइंट ये आ गया, फिर ये आसानी से बनेगा x स्क्वायर, है ना, ये पैराबोला होता है y इक्वल टू x स्क्वायर, लेकिन हमें 0 टू 1 में ही बनाना है, तो 0 पे 0 और 1 पर 1, ये समझ में आया सबको, जीरो, जीरो पे जीरो बन, राइट, ये है। अब इसके बाद आगे बढ़े, अब ये दो बचे, माइनस वन से जीरो में, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पैराबोला बने, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर ऐसा अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो अब हमें माइनस वन पे देखना है, माइनस वन पे जीरो आ रहा है, और जीरो पर वैसे तो देखना नहीं, जीरो पर तो यहां से आ गया, फिर भी जीरो पर भी जीरो आ रहा है, तो ऐसा ही जाएगा ये, लेकिन वर्टेक्स देखना पड़ेगा, वर्टेक्स कहां, तो वर्टेक्स किस पॉइंट पर आएगा, माइनस बी बाई टू ए पे आएगा, पैराबोला का वर्टेक्स है ना, दोनों पे जीरो हो रहा, तो ये आपका मैं यहां पर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वर्टेक्स माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय माइनस बी बाय टू, माइनस वन बाय टू, एक्स की वैल्यू माइनस, अब माइनस वन बाय टू पे वाई कितना आएगा, ये माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय टू प्लस वन, प्लस वन बाय माइनस वन बाय फोर, ये पॉइंट हम मान लेते हैं माइनस, दिख रहा माइनस वन बाय फोर, ये माइनस वन बाय जीरो और माइनस वन की, अब ये मैंने ठीक है, ये पैराबोला ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टू पे ले लिया, वन से टू में फिर पैराबोला, x स्क्वायर माइनस x, वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस b बाय 2 a, 1 बाय 2, अब 1 से 2 में देखो, 1 पर तो 0 है और 2 पर 1 है, 2 पर 1 है, देखो जरा, x इक्वल टू 2 पर 1 नहीं है, x इक्वल टू 2 पर 2 इंटू 1, तो 2 पर तो ये 2 तक जाएगा, लेकिन 2 पर तो एग्जैक्टली वैल्यू 0 है ना, तो 2 पर वैल्यू 0 है यहां तक, ठीक है सर, बना दिया कि 2, अब 1 से 2 में x स्क्वायर माइनस x का ग्राफ, 1 पे क्या है, 1 पर 0 है, बनेगा तो पैराबोला ही, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें पूरा नहीं बनाना है, हां वैल्यू सी, क्या ये समझ में आया कि सब, ये ग्राफ बन गया 2 पे 0, ये है ग्राफ, ये है, और रेंज बताएगा कोई, बाय, हाँ देखें ध्यान से, रेंज मतलब y की वैल्यू, बाय ग्राफ देखें कहां से स्टार्ट हुआ, माइनस 1 बाय 4 मिनिमम वैल्यू, इसके नीचे और कोई ग्राफ नहीं आ रहा, ग्राफ का कोई भी पार्ट नहीं है, माइनस वन बाय फोर से स्टार्ट हुआ, माइनस वन बाय फोर इंक्लूड,
ये इंक्लूड नहीं है ये पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई, टू तक, लेकिन टू इंक्लूड नहीं। कहीं पर ब्रेक हुआ है क्या कहीं ग्राफ? देखो वाई की वैल्यू कहीं पर भी मिस नहीं हुई है। देखे वाई की वैल्यू माइनस वन बाय फोर से जीरो तक इस इंटरवल में मिलती है, जीरो से वन तक यहां मिल रही, फिर यहां जीरो से टू तक इसमें भी मिल रही, रिपीट हो रही है, मिस नहीं हो रही कोई भी वाई की। बात समझ में आई क्या? इस यहां पर जीरो से वन में भी वाई की वैल्यू कुछ आ रही है और वन से टू में भी वाई की वही सेम वैल्यू जीरो से वन तक रिपीट हो रही, समझ में आया ना? रिपीट हो रही, मिस नहीं हो रही। मिस होती तो हर एक्सक्लूड करना पड़ता कि रेंज नहीं हो सकती, पर यहाँ तो रिपीट हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोज इंटरवल माइनस वन बाय फोर टू ओपन इंटरवल टू, किसी को कोई डाउट? देख रहे हैं एक बार, डाउट हो तो बता सकते। फर्स्ट वाला फंक्शन आर्यन कौन सा? ये फर्स्ट वाला, ये सुने ध्यान से, ये यहां फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू माइनस वन से टू तक में लेना है, तो मैंने केसेस बना लिए माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, क्योंकि हर एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में नेचर बदलता है किसका? ग्रेटर फ्रैक्शनल पार्ट का, राइट? तो जीरो से वन, वन टू टू और टू, राइट? तो माइनस वन से जीरो में, तो देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्रॉपर्टी होती है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ जब माइनस वन से जीरो में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन टू जीरो माइनस वन होगी, तो इसकी जगह माइनस वन और माइनस पहले से तो प्लस वन। फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह क्या गया? x प्लस वन। इस फ्रैक्शनल पार्ट x की जगह क्या रख दिया? x प्लस वन, तो x इंटू x प्लस वन। समझ में आया क्या? इन चारों इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू लिख दी मैंने तीनों में, और एक टू पे जीरो होती इसलिए लिखी, चाहे तो लिख भी सकते हैं एक्स इक्वल टू टू पर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू जीरो, एग्जैक्टली टू, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो। क्या समझ में आया क्या? प्लॉट कैसे किया? हाँ आर्यन देखो, एक्स इंटू करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक को कैसे प्लॉट करते हैं? इंटू कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनेगा, क्लियर? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड पैराबोला बनेगा। माइनस वन से जीरो नहीं बनाना, माइनस वन पे भी जीरो है, जीरो पे भी जीरो है, माइनस वन पे भी जीरो, जीरो पे। वर्टेक्स कहाँ आता है? वर्टेक्स कहाँ आता है? माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस बी बाय फोर ए, निकाल लिया हमने माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस बी बाय फोर। माइनस बी बाय टू ए निकाला तो माइनस वन बाय टू आया, देखो माइनस बी मतलब माइनस वन बाय टू ए अपॉन टू ए की जगह वन, माइनस वन बाय टू। अब माइनस वन बाय टू पर इसकी वैल्यू निकाल ली, वन बाय फोर माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन बाय फोर। तो ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस वन बाय टू कॉमा। समझ में आया क्या कैसे ड्रॉ किया है? ठीक है, क्लियर दिख रहा है सभी को? चलिए नोट कीजिए, एक चीज और देख लीजिए, नोट तो करना ही है। ये y की वैल्यू कोई भी मिसिंग नहीं हो रही, इसलिए हमने रेंज ये ली। अगर ये सपोज, ये इससे कंसर्न नहीं है, अलग बता रहा हूं, इसे ध्यान दें। आपका ग्राफ ऐसा हो, ये वैल्यू सपोज माइनस टू है और ये माइनस, उसके बाद फिर वैल्यू यहां से स्टार्ट होती है, यह है वन और यह है सिक्स। ग्राफ ऐसा होता, इतने स्पेस में ग्राफ नहीं होता, तो रेंज क्या लिखते हैं? रेंज थोड़ी लिख देते हैं माइनस टू से सिक्स, नहीं लिख सकते थे, क्यों? क्योंकि माइनस वन से लेकर प्लस, माइनस वन से लेकर प्लस वन तक की वैल्यू इसमें आई नहीं रही, और ये इंक्लूड कर रखा है अगर मैंने, तो माइनस वन और प्लस वन तो आएंगी, क्या लिखूंगा रेंज? इस ग्राफ की रेंज, इस ग्राफ माइनस टू टू माइनस वन यूनियन वन टू सिक्स। क्या ये समझ में आया क्या? माइनस टू टू माइनस वन यूनियन वन टू सिक्स, माइनस वन से वन तक की वैल्यू है जो वाई की, वहां पर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये भी डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो भी डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन इसमें वाई की वैल्यू जहां मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई भी वैल्यू मिस नहीं हो रही है, वाई की वैल्यू कोई भी मिस नहीं हो रही, इसलिए माइनस वन बाय फोर टू टू पूरा आएगा।
और टू इंक्लूड नहीं है, टू पे वैल्यू जीरो है, जीरो इंक्लूड है, और इसमें वैल्यू वाई की माइनस वन से लेकर वन तक की वैल्यू मिस हो रही है तो हटा दी। डिफरेंस समझ में आया? बहुत हार्ड डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक होते हैं, ग्राफ ब्रेक होता है ना, ये गया फिर ब्रेक हो गया फिर ऐसा, ये भी ब्रेक हो रहा है, बहुत हार्ड डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन, पर रेंज में डिफरेंस समझ में आया क्या? ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? चलिए, हमारा रेंज कंप्लीट हो गया है और बिगनर बॉक्स 3 तक आप लोग अटेम्प्ट भी कर चुके हैं सभी। अब हमारे टेस्ट में बिगनर बॉक्स 4 भी आ रहा है ना, तो बिगनर बॉक्स 4 में ग्राफ है ना, कुछ फंक्शंस के ग्राफ बना, तो हम ग्राफ्स देखते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ्स तो आपको बताए हैं, फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शंस में लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इनके ग्राफ बताए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ बताया कैसे बनाते हैं और देखेंगे अभी उसको हम। चलिए, ये हो गया कि सभी का, मैं रफ करूं इसको, है ना? पहले कुछ हम है, तो आप ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करते आ रहे हैं और आपको मालूम है जैसे कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता मालूम है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, बना दो स्ट्रेट लाइन, लेकिन अब जनरल कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते क्योंकि कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर वैल्यू दिखती है, कैसे बनाओगे इसकी रेंज माइनस आठ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होती है और डोमेन भी माइनस इंफिनिटी है ना, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अब हम क्या कुछ दो पॉइंट पुट करके भी निकाल सकते हैं, जैसे x की वैल्यू जीरो पुट की तो y की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू जीरो पर वन y की माइनस, राइट, x की वैल्यू कुछ और ले ले y की जीरो ले ले, तो x की क्या आ जाएगी टू बाई थ्री, y की जीरो ले तो x की क्या आएगी टू बाई, क्या समझ में आया कि सब कुछ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ? ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट x y की वैल्यू जीरो है और x की, सब कुछ समझ में आया कि ग्राफ ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू 3x माइनस 2, ये y y एक्सिस इसको रिप्रेजेंट करता है, सब कुछ समझ में आया कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी आता है कोई भी दो पॉइंट लेकर, ठीक है। सेकंड, अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, ठीक है, अगर फैक्टर दिख रहे हो जल्दी कर सकते हो तो कर, उससे ये पता पड़ जाता है कि एक्स एक्स रूट्स निकाल ले तो माइनस वन और टू एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, देखें एक्जेक्टली प्लॉट कर रहा हूं मैं, देखेंगे, ठीक है, ये तो पता चल गया अपवर्ड बनेगा और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट माइनस वन और टू पर कट, माइनस वन जीरो वन टू,
अब ऐसा जाएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन वर्टेक्स क्या है निकालना आता है आपको? वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए, वर्टेक्स जिसको नहीं आता है वो ध्यान दें, तीन बार बता चुका हूं मैं अभी तक, है ना, इसी ईयर में थ्री थर्ड टाइम बता रहा हूं, वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए माइनस बी माइनस वन, वन बाई टू, समझ में आया क्या? माइनस बी बाई टू ए वन बाई टू, माइनस बी है माइनस वन, अब माइनस डी बाई फोर ए, तो डी निकाल लें, डी क्या आएगा? बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी माइनस नाइन बाई, हाँ वर्टेक्स सही है क्या? वन बाई टू कॉमा नाइन माइनस नाइन बाई फोर, देवांशु देवांशु बताएं वर्टेक्स सही है? वन बाई टू कॉमा माइनस नाइन बाई फोर, वन बाई टू कहाँ आएगा? जीरो और वन के बीच में, और माइनस नाइन बाय फोर मतलब माइनस टू पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब ग्राफ ऐसा बनाना है, और ये जो वर्टेक्स होता है उसके अबाउट, उस वर्टेक्स के करेस्पॉन्डिंग जो लाइन होती है वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स इक्वल टू वन बाई टू, उसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है, जैसा नेचर उस लाइन के लेफ्ट में होगा वैसे ही नेचर राइट, जैसा राइट में होगा वैसे। तो ये वर्टेक्स है, समझ में आया क्या? पैराबोला समझ में आ गया क्या सबको? ये वर्टेक्स, ठीक है, और ये वन बाय टू जो लाइन है x इक्वल टू वन बाय टू, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसा पार्ट यहां है वैसे। समझ में आया क्या? तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ आप लोग प्रैक्टिस करें, पहले ही बता चुका हूं एक दो बार, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्लियर। नोट करेंगे, ओके। अब देखेंगे इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ आपको मालूम है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मालूम है सभी को, ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, पैराबोलिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेकिन वर्टेक्स जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। अब अगर y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा मालूम? y equal to minus x, y equal to x square, y equal to minus x, ठीक है, समझ में आया सभी को? रेशनल फंक्शन के ग्राफ में मैंने रेसिप्रोकल फंक्शन बताया था सबसे पहले y equal to 1 by x, इसका ग्राफ सभी को आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बिल्कुल, y इक्वल टू वन बाय, ये किसमें बनता है? अगर यहां फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में करो, क्योंकि जब x पॉजिटिव लेंगे y भी पॉजिटिव आएगा, x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और जब x नेगेटिव लेंगे y भी नेगेटिव आएगा, x और y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर, समझ में आया? अब ध्यान दें यहां पर, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसका सेंटर होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर। अब अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या y इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर,
y इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर। देखो x पॉजिटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव और x नेगेटिव लेंगे तो भी y पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ। क्या ये समझ में आया क्या? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है? समझ में आया सभी को? अब y इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स, अगर x y इक्वल टू माइनस वन बाय x अगर पॉजिटिव लेंगे तो y नेगेटिव आएगा इस माइनस के कारण, ठीक है? y x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, और x पॉजिटिव तो y नेगेटिव फोर्थ पॉइंट सेकेंड और फोर्थ में। क्या समझ में आया क्या सभी को? रेक्टेंगुलर हाइपर, तो देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्म आपने पढ़ा होगा, xy इक्वल टू c स्क्वायर, 11th क्लास में xy वो इसका है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, जैसे कि xy इक्वल टू वन, वन क्या है पॉजिटिव, c स्क्वायर पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट और थर्ड में ग्राफ बनेगा, और उसी की जगह अगर xy इक्वल टू माइनस c स्क्वायर होगा, xy इक्वल टू c स्क्वायर होगा तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा xy इक्वल टू माइनस c स्क्वायर पर। बात समझ में आ गई क्या? ओके, नोट करें जल्दी, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हो गया? तो अब हम एक दो रेशनल फंक्शंस के ग्राफ बना रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लीनियर, कर दो रफ। इस टाइप के ही आएंगे, इनमें से ही का मतलब ये नहीं होता कि जो मैंने बोर्ड पे कराया वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बोर्ड में होता है, बोर्ड पे कराया वो का वही क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल डाटा भी चेंज ना हो, ऐसा बोर्ड में होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होता है ना, बोर्ड पे कराया गया क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है? तो अब आज के बाद ऐसी कोई चीज पूछना मत। मोनोटोनिक होते ही है, डिक्रीज ही होते जा रहे हैं, इधर भी डिक्रीज हो रहा है, देखो ये डिक्रीज हो रहा है, यहां भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? थ्योरी में ऐसा नहीं होगा कि थ्योरी उसके बाहर का कुछ लग गया जो बताया नहीं, बट क्वेश्चन तो चेंज हो, क्वेश्चन में तो आपको अपना एफर्ट्स लगानी पड़ेगा कैलकुलेट करने के लिए, आंसर ऑप्शन करेक्ट निकालने के लिए, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन चूज करने, ये समझ में आएगा। अब मैं एक रेशनल फंक्शन आपको देता हूं, y इक्वल टू x प्लस थ्री एक्स माइनस, y इक्वल टू x प्लस थ्री अपॉन x माइनस, तो उस दिन जब रेशनल फंक्शन का डोमेन रेंज बताया तब भी बताया। देखो डोमेन लिख सकते हो डायरेक्ट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, डोमेन पे वन नहीं, हाँ रेंज भी डायरेक्ट लिखना सकते हैं क्या? रेंज इज ऑल्सो सेट, मालूम है कैसे लिखी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अपॉन ये एक्स एक्स के कोफिशियंट का रेशियो वन, ठीक है? क्या समझ में आया डोमेन रेंज कैसे लिखा है? बताया था शॉर्ट, बताया था रेंज भी लिखना डायरेक्ट, ओके ठीक है ना? तो थ्योरी जितनी भी बताई है बेटा उसको रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करें,
ठीक है। अब x में भी 1 इंक्लूड नहीं है, y में भी 1 इंक्लूड नहीं है, मतलब 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 राइट। तो ये 1 1 ये पॉइंट, ये डोमेन में भी इंक्लूड नहीं है, मतलब यहां पर कर्व इनफाइनाइट तरफ टेंड होगी और इधर भी 1 इंक्लूड। मतलब इस ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है इसका सेंटर 1,1 है। अभी जो स्टैंडर्ड था उसका सेंटर क्या था, ओरिजिन, यहां सेंटर क्या, 1,1। ठीक है यहां तक, अब ड्रॉ कर दो। अब ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट में आएगा कि थर्ड में, फर्स्ट थर्ड में आएगा या सेकंड फोर्थ में आएगा, वो भी देख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जैसे एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, इसमें से x कॉमन y माइनस वन, माइनस वाई प्लस वन, क्योंकि माइनस कॉमन लूंगा तो y माइनस वन मिल जाए, प्लस वन किया तो यहाँ भी प्लस। तो समझ गए क्या, यहाँ इसको ऐसा लिखते हैं y माइनस वन और x माइनस थ्री प्लस वन फोर, फोर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो ये वन और ये वन, सेंटर हो गया 1 1, और जो c वाली टर्म आई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, वो पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड, नेगेटिव आता है यहां पर कॉन्स्टेंट तो सेकंड और फोर्थ, राइट। फर्स्ट और थर्ड, अब थर्ड में थोड़ा सा बनाते समय ये देख ले कि अगर मैं x की वैल्यू 0 रखा हूं, ये 0 है, x 0 पर y कितना आ रहा है माइनस 3, बस इससे पास हो और समझ में आया क्या, x 0 रखने पर y माइनस 3 है, x 0 रखा तो क्या, ग्राफ सबको समझ में आ गया क्या। ठीक है, और अगर y 0 रख ले तो x माइनस 3 आ रहा, तो और बेटर करें और पॉइंट क्लियर कर दें। क्योंकि जब मैं y को 0 ले रहा हूं x एक्सिस, तो x माइनस 3 आ, ठीक है, बस ये दो पॉइंट भी देख सकते, बना तो किसमें है, फर्स्ट और क्या, ये सबको समझ में आया प्रोसेस। तो सेंटर आप डोमेन और रेंज से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से कन्वर्ट एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर से भी सेंटर निकाल सकते, जैसे एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर आए या माइनस सी स्क्वायर, मतलब प्लस पॉजिटिव कांस्टेंट आए या नेगेटिव कांस्टेंट, सेंटर तो दोनों केस में अल्फा कॉमा बीटा ही होगा, हाई रेक्टेंगुलर हाइपर, ठीक है क्या बच्चों। ठीक है, सेंटर तो, लेकिन प्लस सी स्क्वायर आएगा अगर तो फर्स्ट और थर्ड में जाएगा, और माइनस सी स्क्वायर आएगा तो सेकंड और फोर्थ में। क्या समझ में आ गया क्या सभी को, चलिए। तो ये हमने कुछ फंक्शंस के ग्राफ बनाना देखे, रफ करूं, हो गया है सभी का। भाविश कर लूं, नोट कर लूं, हाँ जो न्यू स्टूडेंट है आप लोगों को जेई मेंस का पैटर्न मालूम है, जो हमारा जेई मेंस पैटर्न पर टेस्ट है सभी को मालूम है, ऐसा भी कोई है जो
इलेवेंथ में यहाँ पढ़ चुका है और उसको भी अभी पैटर्न नहीं मालूम है रंजीत, नहीं मालूम है। सुनो न्यू स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 20, 20 सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट 20 सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होती है करेक्ट आंसर पर 4 और रॉन्ग देने पर -1, छोड़ देने पर 0। समझ में आया ना, अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मिलेगा, नहीं करोगे रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे तो -1 और करेक्ट कर दोगे तो +4R-W, मालूम है। उसके बाद 5 क्वेश्चंस आते हैं इंटीजर टाइप, क्वेश्चन आता है उसका आंसर इंटीजर आता है या न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, आपको देखना पड़ेगा कि 2 प्लेसेस डिजिट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर देना है, 1 प्लेसेस तक देना है या आंसर इंटीजर ही आए, मेंशन रहता है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मान लो 3 इंटीजर्स आ रहे हैं तो आंसर आएगा 3। 5 क्वेश्चंस आते हैं ऐसे 21 to 25, फर्स्ट 20 क्वेश्चन 2 सेक्शन हो गए, मतलब एक सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 उसमें नेगेटिव मार्किंग होती, सेकंड सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सेम फिजिक्स में सेम केमिस्ट्री। ठीक है करण जी, ठीक है मिहिर, समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए हाँ ये कंप्लीट हो गया, मैं रफ कर रहा हूं। है ना, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ में ऑलरेडी बनाकर बता चुका हूं, तो आपको प्रैक्टिस कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कभी भी आए तो आप रफली कर्व ड्रॉ कर सकते। ठीक है, अब हमें देखना है आगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पहले तो देखो इसका मीनिंग देखें कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। अगर हमें किसी फंक्शन y इक्वल टू fx का ग्राफ गिवन, फंक्शन y इक्वल टू fx का ग्राफ गिवन, या हमें मालूम है पहले से पता है कि y इक्वल टू x प्लस 1 का या y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ क्या है, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ मालूम है, अब इस y इक्वल टू fx का ग्राफ मालूम है मतलब, और उसमें कुछ चेंज करें, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ मालूम है उसमें प्लस 1 कर दिया, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, अब इसका ग्राफ बनाना, और किसको रेफरेंस किसको मानना है, y इक्वल टू x स्क्वायर रेफरेंस है हमारे पास, ये ग्राफ है, अब उसमें 1 ऐड हुआ है तो ग्राफ में क्या चेंज है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो समझ में आया क्या, एक गिवन ग्राफ, गिवन फंक्शन का ग्राफ या तो हमें पता है या गिवन है, वो रेफरेंस है, अब उसमें कुछ चेंज किए इक्वेशन में, जो फंक्शन का गिवन है डिफाइन उसमें कुछ चेंज किए, y इक्वल टू fx प्लस 3 कर दिया, y इक्वल टू fx प्लस 7 कर दिया, fx माइनस 3 कर दिया, तो fx के ग्राफ में वो कैसे चेंज करेंगे, किसको रेफरेंस लेकर, y इक्वल टू fx के ग्राफ को रेफरेंस लेकर उसी को चेंज कर, समझ में आया क्या, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्लियर है सभी को। इफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx हैज गिवन एंड सम चेंजेस आर डन इन y इक्वल टू fx, देन स्टडी ऑफ चेंज इन ग्राफ ऑफ fx इज कॉल्ड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन या प्लॉटिंग द ग्राफ। समझ में आया क्या, चेंज करने से fx के ग्राफ में क्या चेंज होगा उसको हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये बात समझ में आ गई। तो हम फर्स्ट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, अगर हमें fx y इक्वल टू fx ग्राफ गिवन है, इससे हमें y इक्वल टू fx या तो प्लस a का ग्राफ बनाना है या माइनस a, ये कोई भी नंबर हो सकता है एनी रियल, क्या ये बात समझ में आ गई, y इक्वल टू fx का ग्राफ गिवन है और वी नो दैट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, देन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx प्लस a और माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अगर इसको रेफरेंस मान के इसका ग्राफ बना देंगे तो हमने ग्राफिकली ट्रांसफॉर्म प्रॉम्प्ट कर दिया, तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर,
तो सुने ध्यान से, ए यूनिट वैल्यू एफ एक्स की इंक्रीज हो रही है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें मॉड एक्स का, मॉड एक्स का ग्राफ सभी को आता है, मॉड एक्स का ग्राफ सभी को आता है, ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड एक्स, राइट। अब आपसे बोला जाए आप प्लॉट करो मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ, बड़ा आसान है। देखो जैसे x की वैल्यू है 2 रखी, तो y की भी, x की वैल्यू 2 पर y की भी 2 आ रही। अब प्लस 1 करोगे तो उस समय क्या आ जाएगी, वैल्यू 3 आ जाएगी। x इक्वल टू 2 पर ही y की वैल्यू 3 होगी। वैल्यूज क्या हो रही, 1 यूनिट ऊपर सेट हो रही, मतलब पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर सेट, राइट। 1 यूनिट, ये 1 यूनिट मॉड एक्स का ग्राफ ये होता, 1 यूनिट मैंने ऊपर सेट कर दिया, ये ग्राफ किसका हो गया मॉड एक्स प्लस। क्या समझ में आया कि सबको? समझ में आया मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसे बनेगा, 1 यूनिट ऊपर से वाई एक्सिस। मॉड एक्स माइनस टू का ग्राफ कैसे बनेगा, 2 यूनिट नीचे से। y equal to mod x minus, क्या समझ में आया कि सभी को, कि 1 यूनिट समझ में आया कि सभी को कैसे बनाया। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब जैसे अगर आपको ये ऊपर के दो रफ कर दूं, ऊपर के दो ग्राफ है ना, और एग्जांपल देना है कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, पता है ना क्या होता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, होता है रफ करते हैं रफली 0 ऐसे ही होता है। किसका ग्राफ है, साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन, आपको ग्राफ प्लॉट करना है साइन एक्स प्लस टू, वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस। तो देखिए y एक्सिस पे चेंज होगा, ये आपने ग्राफ कहां से कहां तक प्लॉट किया है, माइनस वन से प्लस वन। अब उसमें 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करोगे तो सेम ग्राफ बनेगा, लेकिन 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दे, तो माइनस वन में 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे, माइनस वन प्लस टू प्लस वन, और वन में 2 यूनिट 3, 1, 2, 3 में बने सेम ग्राफ आप किस इंटरवल में बनाएंगे वाई एक्सिस पर, 1, 2, 3, ये 0 ओरिजिन, 1, 2, 3। नहीं तो केवल मैं अपने रेफरेंस के लिए कि मेरा ग्राफ ऊपर नीचे ना हो इस लाइन के बना रहा, ठीक है, 1, 2, 3, 0 ये पाए, ये 2 पाए, 3 पाए, है ना। पाए पे 0 होता है, पूरा टर्न लगा है, फिर 2 पाए पे फिर 0 होता है, मतलब समझ
समझ में आया क्या सभी को? ग्राफ जो माइनस वन से प्लस में वन में बना था वो प्लस वन से थ्री में बना, और कोई चीज समझ में आया क्या? ग्राफ समझ में आया सभी को? वन से थ्री में वही कर्व ड्रॉ है ना, टू पाई पे टू है, थ्री पाई पे भी टू है, ठीक है समझ में आया? ग्राफ किस इंटरवल में बनाया है? वन से थ्री, क्लियर है सभी को? वाई एक्सिस पर चेंज। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गया क्या सभी को? रफ करूं, चलिए सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं। एफ एक्स से एफ ए इंटू एक्स, ध्यान रखना ए इंटू एफ एक्स नहीं है, अगर ए इंटू एफ एक्स होता तो वाई एक्सिस पे ही चेंज आता। ठीक है, x में चेंज है ना, जैसे चलो हम ये भी लिख लेते हैं, दोनों लिख देते हैं a into fx और f a into, right? तो देखो a into fx का तो एग्जांपल जैसे मॉड अपन sin x ही ले, y इक्वल टू sin x का ग्राफ और y इक्वल टू, अब आपको बनाना है 2 sin x, sin x का रेफरेंस है ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है सभी को मालूम, जीरो पाए टू पाए थ्री पाए फोर पाए माइनस पाए। अब हमें किसका ग्राफ बनाना है? टू साइन एक्स। तो अभी ये जो माइनस वन से प्लस वन में बना है उसकी प्लेस पर रेंज क्या हो गई? माइनस टू से प्लस टू में बनेगा सेम ग्राफ, वन माइनस वन माइनस टू, प्लस वन प्लस, ठीक है, पाए टू पाए थ्री पाए, पाए पे अभी भी जीरो है, समझ में आया क्या? बस ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ? वाई एक्सिस पर माइनस टू से प्लस टू, मतलब एक्सपांड हो गया वाई एक्सिस पर टू टाइम्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ए इंटू एफ एक्स टू साइन एक्स, एक्स एक्सिस पर एक्सपेंशन, एक्स एक्सिस पर एक्सपेंशन, सॉरी रॉन्ग बोल दिया, वाई एक्सिस पर एक्सपेंशन है ना, पहले करेक्ट। कितने टाइम्स एक्सपेंशन हुआ वाई एक्सिस पर ग्राफ का? एक्सपांड कर दिया टू टाइम्स, तो फिर टू साइन एक्स, थ्री साइन एक्स होता तो थ्री टाइम्स, ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करेंगे, ये मैंने फर्स्ट किया ए एफ एक्स टू साइन एक्स थ्री साइन एक्स, समझ में आ गया क्या सभी को? बिल्कुल, माइनस वाई से प्लस वाई में इक्वल ही होगा, साइन एक्स भी तो माइनस वन से प्लस वन में इक्वल ही होता है, इसलिए माइनस टू से प्लस टू में इक्वल ही। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सेकेंड वाले में एक्स एक्सिस पे एक्सपेंशन नहीं होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, क्योंकि
एक्स की वैल्यू में चेंज आएगा, कितना कॉन्ट्रेक्शन होगा, अगर टू होगा तो टू टाइम्स, बताता हूं ये रफ कर दूं मैं, और साइन एक्स का ग्राफ रफ नहीं कर दूं, हाँ मुझे इससे किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू साइन टू एक्स का, सपोज साइन टू एक्स, तो जो साइन एक्स का ग्राफ है x एक्सिस पर चेंजेस होंगे, साइन एक्स का ग्राफ देखो मैं ध्यान से, जीरो से पाए में ये हो गया, पाए से टू पाए ये है, टू पाए से थ्री पाए, देखो y इक्वल टू साइन एक्स की रेंज और y इक्वल टू साइन टू एक्स, रेंज तो नहीं बदलेगी, माइनस वन से प्लस वन में ही आएगा ये भी और ये भी, अंदर एंगल कुछ भी हो, तो x एक्सिस पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्रेस हो जाएगा x एक्सिस के अंदर, कितना कंप्रेस होगा, टू टाइम्स, मतलब x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है उनको क्या करो आप, टू से डिवाइड करो, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट दिख रहा है, जैसे जीरो को टू से डिवाइड करोगे जीरो ही रहेगा, पाई बाय टू, इसको टू से डिवाइड, इसको टू से डिवाइड, इसको टू से डिवाइड, इसको टू से डिवाइड, इसको टू से, समझ में आया किसका ग्राफ बन गया ये, साइन टू एक्स, क्या समझ में आया कि सबको, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट भाई के पहले क्या हो रहा था, ये पाई बाई टू, ये वाला पाई बाई टू पे वन हो रहा था, पाई बाई टू पे वन, और अब उसकी जगह पाई बाई फोर पे वन हुई, क्योंकि यहाँ एक्स की जगह जब पाई बाई फोर रखूंगा तब पाई बाई टू है, तो जीरो से पाई बाई टू पे पूरा साइकिल हो गया, यहाँ पाई बाई फोर पर वन, समझ में आया कि मैंने क्या किया, अगर यहाँ थ्री होता कुछ नहीं करता है, थ्री से डिवाइड, समझ में आया कि सभी को, नोट करें इसको, हो गया सभी का, क्लियर, नोट कर लिया, ये वाला ग्राफ जरूर प्लॉट करें, फिर उसके आगे और भी है, इसके जैसे एक दो और बनाएंगे, नोटेड, एस सोनी का हो गया, और लोग भी बोले, हो गया क्या, ओके चलिए, अब देखें अगर मुझे ये मान ले साइन पाई एक्स का ग्राफ बन, इसका ग्राफ बनाना है साइन पाई एक्स, मैं इसको तो रफ कर देता हूं, तो पहले साइन एक्स का बना है, नहीं पहले साइन एक्स का तो बना है, तो साइन एक्स का ग्राफ देखो, पाए टू पाए थ्री, ये समझ में आया, ये साइन एक्स का है ग्राफ, क्लियर है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन पाई एक्स का तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पाए, इसको पाए को पाए से डिवाइड, वन टू थ्री माइनस वन, ये माइनस, ये किसका ग्राफ बना दिया मैंने, साइन ऑफ, क्या समझ में आया कि सभी को, ये पॉइंट थ्री है ना, थ्री पाई को पाई से डिवाइड किया, क्लियर सभी को, तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज बताई, a इंटू एफ एक्स और एफ ए इंटू एक्स, नेक्स्ट कंप्लीटेड, जल्दी बनाएं, ड्रॉ करें, है ना, लेकिन ड्रॉ करना है, नोट्स प्रॉपर बनाना, चलिए अब मैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पर आ रहा हूं, y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एफ एक्स से
y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ये रफ कर रहा हूं मैं, हो गया सभी का? देखो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है हमारे पास, मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, इसका मतलब अगर एफ एक्स मतलब वाई जहां नेगेटिव पॉजिटिव होगा, एफ एक्स जहां पॉजिटिव होगा वहां तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन जहां एफ एक्स नेगेटिव होगा वहां भी पॉजिटिव है, बिल्कुल एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आएगा इस तरह, अगर ये एक्स एक्सिस के नीचे है, जैसे कहने का मतलब, जैसे सुनो ध्यान से, बिल्कुल सिंपल ग्राफ बनाता हूं, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही, ये है लाइन वाई इक्वल टू एक्स, राइट? अब बनाना है वाई इक्वल टू मॉड एक्स, एक्स पे मॉड लगा दिया, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, अब मॉड ऑफ एफ एक्स मतलब मॉड, कुछ नहीं करना है, जहां वाई एक्सिस के सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है वो इतना पॉइंट वो एज इट इज बना दो, जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है मतलब वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो आ नहीं सकती, अब वाई नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव है, इसको डिलीट करके इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस क्या हो, समझ में आया क्या? एक्स से मॉड एक्स का ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स से वाई इक्वल टू मॉड एक्स, क्या करना है? जहां वाई पूरे ग्राफ में देखो वाई कहां पर पॉजिटिव है, ये यहां पर वाई पॉजिटिव ही था, तो एज इट इज आएगा, फिर वाई नेगेटिव कहां है, ये ग्राफ, उसको डिलीट करके उसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस, ठीक है? बात समझ में आ गई क्या? जैसे दूसरा एग्जांपल, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ वन टू थ्री, और x जब जीरो रखेंगे तो प्लस थ्री वन टू थ्री, और वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स x स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री है, तो वर्टेक्स माइनस बी बाई टू ए, टू है वर्टेक्स, और टू पर वैल्यू वन माइनस वन, क्या समझ में आया कि ग्राफ है, ग्राफ समझ में आया कि सभी को, ये किसका ग्राफ बनाया है मैंने, x माइनस वन एक्स माइनस थ्री है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब ग्राफ मुझे बनाना है मॉड ऑफ x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, मॉड लगा दिया तो क्या करूंगा, ग्राफ कैसे बनेगा, ये वन ये टू ये थ्री, ये बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही ग्राफ, x एक्सिस के ऊपर जैसा ग्राफ है मतलब y पॉजिटिव एज इट इज, ये वाला पोर्शन भी एज इट इज कर्व है, अब ये वाला जो नेगेटिव पोर्शन था इसको डिलीट करके इसका मिरर इमेज, बात समझ में आई क्या सभी को, मॉड लगा दिया तो एक्स एक्सिस के नीचे वाई नेगेटिव होता है, उसको डिलीट करेंगे उसका, क्या समझ में आया क्या सभी को, सेकंड एग्जांपल समझ में आया है ना, ये ऐसा का ऐसे ही, ये वाला पोर्शन ऐसा का ऐसे ही, ये जो ठीक है, ठीक है, रफ करें, अब जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, तो पहले साइन x का ग्राफ
ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू साइन x, हाँ ये रफ कर दूं मैं ये दोनों पैराबोला वाला, प्रणव ये रफ करना है, जानवी ये हो गया, ठीक है ये साइन एक्स का ग्राफ हमें किसका बनाना है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो ऐसे ही रहेगा, फिर ये वाला ऊपर है ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, फिर ये वाला ऊपर है, नीचे वालों का क्या होगा, ये जो नीचे ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे एक्स एक्सिस के नीचे है, क्या समझ में आया कि सभी को y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन, फिर से चैट में क्या लिखना है फिर से बताएं, रिपीट कर दें, अभी आपने जो पूछा वो मैं देख नहीं पाया, फ्रॉड कर रहा, हो गया, हाँ 1.0 क्या लिख रहे हैं, नो डाउट, ठीक है समझ में आया सभी को, साइन एक्स का ग्राफ दिया था, मॉड ऑफ साइन एक्स का कैसे बना, रेंज बता रहे थे, ठीक है मैंने सही बताई आपने, 0 to 2 ऑब्वियसली, हाँ लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ, सॉरी लॉग ऑफ मॉड एक्स करी लॉग एक्स एलेन एक्स का मॉड, एलेन एक्स मॉड, मॉडुलस ऑफ एलेन एक्स ग्राफ प्लॉट करना, मॉडुलस ऑफ एलेन एक्स, एलेन एक्स का ग्राफ आता है सभी को पहले, लॉग एक्स टू द बेस, फाइ अभी तो मैंने ये एलेन एक्स का बना है, ये मैं रफ कर रहा हूं इधर, वन जीरो पे कर्व इंटरसेक्ट करती ना, एक्स की वैल्यू 1 पर लॉग 0 होता है, बिल्कुल सही बात, मॉड साइन एक्स नोट कर लिया था सभी ने, अब देखेंगे, हाँ अभी एल एन एक्स का ग्राफ दिख रहा है आपको कैसा बना है, अब मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ, तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जो बना है वो तो एज इट इज रहेगा, ये 1.0, जो एक्स एक्सिस के नीचे बना और वो ऊपर बन जाएगा उसका मिरर इमेज, मॉड ऑफ एल एन एक्स, क्या समझ में आया कि सभी को, चलिए नोट करें, दो ट्रांसफॉर्मेशन और करना है, हो जाएंगे आसानी से आज, ओके फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू अगर एफ एक्स गिवन है y equal to minus fx का ग्राफ बना, y equal to fx ये बने हैं, तो y equal to minus times of fx का ग्राफ, यह हटा दूं, log x और log mod x, sorry log x और mod of log x, हाँ देख, fx का ग्राफ है minus fx का ग्राफ बना, मतलब जब जब एफ एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ जब एफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा होगा तो माइनस एफ एक्स नेगेटिव होगा, और जब एफ एक्स नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव होंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव होंगी तो नेगेटिव, मतलब अगर मैं
ठीक है, अच्छा साइन ही मान लो, साइन के ग्राफ में साइन एक्स है, अब माइनस साइन एक्स का ग्राफ माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, कैसे बनाएंगे? ये साइन एक्स का ग्राफ है माइनस साइन एक्स, जहां एफ एक्स नेगेटिव वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा और जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? जैसे समझ में आया क्या? ठीक है भाई, जीरो से पाई में, पाई बाई टू पर क्या वैल्यू थी इसमें? वन, और यहां वन कब आएगी? माइनस पाई बाई टू पर। अगर मैं वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स ले लू, एक्स की जगह जब माइनस पाई बाई टू रखूंगा तो ये माइनस वन और ये यहां पर वन देगा माइनस पाई। समझ में आया क्या? तो जहां पर एफ एक्स पॉजिटिव था उस रीजन में नेगेटिव हो गया, जहां पर नेगेटिव था उस रीजन में पॉजिटिव। क्लियर? समझ में आया क्या? ये ट्रांसफॉर्मेशन और बनाते हैं, माइनस माइनस ई टू दी पावर एक्स का। सबसे पहले ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ आता है, y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, ठीक है। तो माइनस ई टू दी पावर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, माइनस इंफिनिटी पे जीरो, y इक्वल टू माइनस ई टू। समझ में आया क्या? जो पूरा पॉजिटिव था वो बिल्कुल पूरा का पूरा नेगेटिव, जो कि नेगेटिव था ही नहीं। अगर नेगेटिव होता तो उसको पॉजिटिव करते, नेगेटिव था ही नहीं। जैसे अब माइनस लॉग एक्स, बताओ माइनस लॉग एक्स क्या होता है ना? बिल्कुल इधर इमेज है इसकी, log x का ग्राफ मालूम है आपको? सबसे पहले log x का ये है ना एप्रोक्स, अब माइनस log x का ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है माइनस log x का, ठीक है। जैसे मान लो e रखे, x की वैल्यू e रखी आप, तो e पर 1 है, ये 1 पे 0 है तो e पर 1 है ना, e पर तो 1 पे तो अभी भी 0 रहेगा और e पर माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये जो कर्व ऐसा चला जाएगा। ठीक है, और जो नेगेटिव है उसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे अगर हम e की पावर माइनस टू ले लॉग एक्स में, लॉग एक्स में जैसे e की पावर माइनस टू, यहाँ ये रिजल्ट क्या है? माइनस टू, और यहां माइनस टू पे क्या आ जाएगा? प्लस टू। समझ में आया क्या? ये जो है इसके प्लेस पर ये हो गया और इसके प्लेस पर ये। समझ में आया क्या? क्या फिर से लिखे करंजीत के पहले बताएं क्या बोल रहे थे?
ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही प्रणव, बिल्कुल सही। लॉग 1/e पर माइनस वन होता है, इसमें 1/e पर प्लस वन हो जाएगा, 1/e पर प्लस 1। ठीक है करण प्रणव, समझ में आ गया ग्राफ माइनस एल एन एक्स। ओके चलिए अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे, ये नोट कर लिया सभी ने, फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। यस है ना, अप का डाउन करने पर जैसा है ना माइनस एफ एक्स का मिल जाए, ठीक है क्लियर, ऐसा है उसको डाउन कर दो। भाई बताया था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स मॉड एक्स, वाई इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ठीक है। चलिए फिफ्थ ट्रांसफॉर्मेशन देखें, ठीक है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ गिवन है हमें, y इक्वल टू सिग्नम एफ एक्स का ग्राफ पर वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ सिग्नम एफ एक्स। हाँ पहले तो ध्यान से सुने, सिग्नम के रिजल्ट क्या आते हैं, अगर एफ एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो जीरो ही आएगी, एफ एक्स की वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स मतलब y की वैल्यू जहां जीरो होगी तो आउटपुट भी जीरो आएगा, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मतलब जहां पर ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ऊपर जितने भी एक्स एक्सिस के ऊपर हो जितना भी ग्राफ होगा उस सब की जगह प्लस मान, जो भी पार्ट ग्राफ का जो भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसकी जगह माइनस वन, जो ग्राफ एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा उसकी जगह जीरो ही है। क्लियर, बात समझ में आ गई क्या? अगर एफ एक्स की वैल्यू सीधा सा मतलब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो ये प्लस वन दे देगा, अगर एफ एक्स जीरो, एफ एक्स मतलब वाई जीरो तो जीरो, एफ एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस वन दे, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे आप ध्यान से देखें, जैसे सिग्नम एक्स, ठीक है सिग्नम एक्स, तो पहले तो मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊं, एक्स ठीक है, अब सिग्नम एक्स स्क्वायर का, तो देखो ये जीरो पर जीरो ही आएगा, एक ही पॉइंट पे जीरो है, ठीक है एक ही पॉइंट पे जीरो है, ये एफ एक्स जो है एक ही पॉइंट पर जीरो है वो जीरो पे जीरो, बाकी सभी पॉइंट पर पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ बन रहा है सब पे प्लस, इस पॉइंट को छोड़कर जीरो पर जीरो है, इस पॉइंट को यहां से छोड़ दें तो यहां भी प्लस वन है, माइनस वन है ही नहीं। क्या ये समझ में आ गया कि सबको माइनस वन है ही नहीं कहीं कहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नेगेटिव नहीं, जीरो पर जीरो है और बाकी सब पे वन, इस जीरो पे जीरो है और बाकी सारी एक्स की नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू सब पर, क्या ये सबको समझ में आया क्या? इंटरवल जीरो टू वन मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, रेंज पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? रेंज में दो नंबर आएंगे जीरो और वन, है ना, एक सेट आएगा उसमें एक एलिमेंट होगा जीरो और एक वन, रेंज माइनस वन अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव बनता, जैसे देखते हैं एक और एग्जांपल लो, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री,
सिग्नम ऑफ x माइनस वन x माइनस थ्री। सबसे पहले तो आप वो ग्राफ इसका आता 1 2 3, टू पर वर्टेक्स है और टू पर वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू टू पर माइनस वन आई थी, ये माइनस राइट। ग्राफ मान लो मैं सभी को ठीक है, इसका ग्राफ है ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब आपको सिग्नम एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री का बनाना है, देखेंगे ध्यान से एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पॉइंट पर, वन पर जीरो होगा, मतलब जहां एफ एक्स वाई जीरो हो, वाई इन दो पॉइंट पर जीरो हो, वहां पर सिग्नम भी जीरो। क्या ये बात समझ में आ गई क्या सबको? अब जिन जिस इंटरवल में ये वन से लेकर माइनस इंफिनिटी से लेकर वन तक पॉजिटिव है, माइनस इंफिनिटी से वन तक पॉजिटिव, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर वन तक प्लस वन, समझ में आया क्या? माइनस इंफिनिटी से लेकर वन तक प्लस वन, समझ में आया? फिर पॉजिटिव है थ्री पर, थ्री से लेकर इंफिनिटी तक फिर प्लस प्लस वन, और वन पे वन, वन से थ्री में एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ बना हुआ है तो माइनस। क्या समझ में आया क्या ग्राफ? नीचे का नहीं दिख रहा है, चलिए अभी तो नीचे का मेरे ख्याल से दिख रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा चेंज करता हूं, वैसे तो दिख रहा है। चलिए अब दिखा है क्या ये लाइन? ओके, सबको समझ में आया क्या सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री का ग्राफ कैसे बनाया? नोट कर लें जल्दी। मतलब सीधी सी बात हम बोल सकते हैं कि जहां पर एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बना वहां पर प्लस वन, जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो वहां पर वही पॉइंट, और जहां पर एक्स एक्सिस के नीचे कर रहा हो उस पूरे इंटरवल में माइनस, राइट? तीन ही वैल्यू होती, ठीक है। ठीक है, रफ कर दूं ये, लास्ट एग्जांपल देखते हैं आज का। वाई इक्वल टू सिग्नम एलएन एक्स, सिग्नम एलएन एक्स, तो देखो सबसे पहले तो एलएन एक्स का ग्राफ, एलएन एक्स कि डिफाइन होने के लिए x 0 टू इनफिनिटी होना चाहिए, तो आप lnx का ग्राफ, ये lnx का ग्राफ नहीं डिफाइन है, तो ये x की वैल्यू 0 पे माइनस इनफिनिटी है, 1 पर 0 है ना, 1 का जैसे हम 2 लें, यहाँ 2 और यहाँ 2 e पर 1 है, e पर एग्जैक्टली, समझ में आया क्या? ln e log e टू द बेस e पर, ठीक है। अब हमें किसका ग्राफ प्लॉट करना है इससे, सिग्नम ऑफ एलएन एक्स, तो देखें ध्यान, वन पर एक्स एक्सिस को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पर, तो वन पर ये पॉइंट आ जाएगा, वन पर ये, वन से आगे टोटल प्लस वन, वन से आगे टोटल प्लस, ये पॉइंट ये इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहां पर तो जीरो है, वन पे तो जीरो है, वन नहीं, वन पर एक्स इक्वल टू वन पे जीरो है, सी एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, लॉग वन जीरो, सिग्नम ऑफ जीरो जीरो,
ठीक है, उससे आगे जरा सा भी आगे बढ़ोगे आप पॉजिटिव में पॉजिटिव पर प्लस वन, अब उससे नीचे माइनस वन, उससे नीचे हर एक जीरो से वन में, जीरो से वन में ये यहां भी इंक्लूड नहीं, क्यों इंक्लूड नहीं, डोमेन में ही नहीं है ये पॉइंट तो, ये सिग्नम एल एन एक्स का ग्राफ। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब होमवर्क में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी बिगिनर बॉक्स फोर करने के लिए सफिशियंट ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिए हैं। बिगिनर बॉक्स फोर आपका पूरा हो जाए, बिगिनर बॉक्स फोर कंप्लीट करें। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया क्या? बिगिनर बॉक्स फोर और रेंज की कोई और सीट दूं, रेंज की एक और सीट दें। बिगिनर बॉक्स फोर में 10 क्वेश्चन है, तो मैं रेंज की एक सीट देता हूं। क्यों भाई युवराज, क्यों नो? 10 टू 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर सीट करोगे, है ना? प्रैक्टिस सीट 5 दूंगा, रेंज पर है, प्रैक्टिस सीट 5 और बिगिनर बॉक्स 4। कल हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का रिवीजन करेंगे, है ना? कल की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का रिवीजन, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी लास्ट क्लास में किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे। ये नोट कर लिया, होमवर्क में अभी ग्रुप पे असाइन कर रहा हूं, है ना? तो होमवर्क बिगिनर बॉक्स 4 और प्रैक्टिस सीट 5, चलिए, है ना? गुड नाइट, बाय, कल कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके।